वेलकम टू श्री जी फूड। आज हम बनाएंगे काजू किशमिश फ्लेवर का श्रीखंड। इस तरह की रेसिपी गर्मियों के दिनों में ज़्यादा अच्छी लगती है। जब हम मार्केट से श्रीखंड लाते हैं तो कई बार उसमें शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। वही रेसिपी जब हम घर पे बनाते हैं तो हम अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर कम ज़्यादा कर सकते हैं, और घर पे बनाया हुआ होता है तो वो हेल्दी और हाइजीनिक होता है। तो चलिए श्रीखंड हम घर पे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दही जमा लेंगे। दही जमाने के लिए हमें चाहिए 1 लीटर फुल फैट मिल्क और 1 टेबलस्पून बटर मिल्क। सबसे पहले हम इस दूध को थोड़ा सा वार्म कर लेंगे। अब इस दूध को हल्का गुनगुना गर्म कर लेंगे। इसे गर्म होने में अराउंड 2 से 3 मिनट लगेंगे। अब हम इस दूध को थोड़ा सा टच करके चेक कर लेते हैं, ये गर्म हो चुका है। हमें ज़्यादा गर्म दूध नहीं चाहिए, थोड़ा सा वार्म ही चाहिए। तो अब हम इसमें बटर मिल्क ऐड कर देंगे। अब चाहो तो इसमें दही भी ऐड कर सकते हो, लेकिन बटर मिल्क से दही का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। अब इसे मिक्स कर लेंगे और इस बर्तन के ऊपर एक ढक्कन रख के इसे किसी गर्म जगह पे रख देंगे। ये दही 8 से 9 घंटे में तैयार हो जाएगा। 8 घंटे के बाद अब हमारा दही सेट हो चुका है। हमें श्रीखंड बनाने के लिए ज़्यादा खट्टा दही नहीं चाहिए। दही जैसे ही सेट होता है अब हम इसे कॉटन के कपड़े में निकाल लेंगे। सबसे पहले हम एक स्टील की खाली पतीली ले लेंगे, उसके ऊपर कोई भी छन्नी या कुछ भी रख दे और उसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा। अब इस कपड़े में हमने जो दही सेट किया है वो सारा इसमें ऐड कर देंगे। मैं सारा दही इसमें निकाल लेती हूँ। अब हमें इस कपड़े को चारों ओर से बांध लेना है और जो भी पानी निकलेगा वो नीचे पतीली में आ जाएगा। तो मैं इसे बांध लेती हूँ। अब इस पतीली को हम फ्रिज में ही रख देंगे, क्योंकि अगर दही को बाहर रखेंगे तो वो खट्टा हो जाएगा। तो हम फ्रिज में रख देंगे, जो भी पानी निकलेगा वो इसमें आता रहेगा। चलिए तो अभी मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। मैंने इसे ओवरनाइट फ्रिज में रखा है। अब मैं इसे खोल के देख लेती हूँ। ये देखिए, अब हमारा दही का मस्का बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। हमने दही के नीचे जो बर्तन रखा था उसमें इतना पानी इकट्ठा हुआ है। आप इस पानी में से हांडवा, ढोकला या इडली का बैटर बना सकते हो, या फिर इसमें से कढ़ी भी बना सकते हो। तो आप इस पानी का भी यूज़ कर सकते हो। आज हम काजू किशमिश फ्लेवर का श्रीखंड बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमने जो दही का मस्का रेडी किया है उसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। 2 टेबलस्पून काजू और 2 टेबलस्पून किशमिश को मैंने 3 टेबलस्पून गर्म पानी में भिगो के रखा है। वनीला एसेंस है और 3/4 कप जितनी शुगर है। ये मैंने रेगुलर शुगर को ही मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। आप किसी भी तरह का श्रीखंड बनाओगे तो आपका जितना दही का मस्का रेडी होता है उससे आधी क्वांटिटी की शुगर आपको हमेशा लेनी है। तो अब हम इस शुगर को थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करके मिक्स कर लेंगे।
आप इस टाइम पे सुगर चेक कर ले, अगर आपको कम लगती है तो आप इस टाइम पे ऐड कर सकते हैं। हमें इसी तरह कंटिन्यूस इसे 2 मिनट तक हिला लेना है ताकि अगर कोई शुगर के ग्रेन्यूल्स है तो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड कर देंगे, ये ऑप्शनल है, आप अगर ना ऐड करना चाहो तो ना करें। अब फिर से इसे मिक्स कर लेती हूँ। अब हमने जो काजू और किशमिश भिगो के रखे हैं वो उसमें पानी निकाल के ऐड कर देंगे। फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे ऐसे ही खुला इसी बाउल में फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमें इसे कवर नहीं करना। अगर इसमें दही में या शुगर हमने जो ऐड की है उसकी वजह से अगर थोड़ा भी मॉइस्चर होगा तो इसे खुला फ्रिज में रखने से वो नहीं रहता। तो मैं इसे ऐसे ही ठंडा होने के लिए रख देती हूँ अराउंड 4 से 5 घंटे के लिए। अब ये श्रीखंड एकदम सेट और चिल्ड हो चुका है, तो अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। अब हमारा श्रीखंड सर्विंग के लिए रेडी है। आपका दही अगर अच्छा सेट होगा तो दही का मस्का भी ज़्यादा निकलेगा और श्रीखंड की क्वांटिटी भी ज़्यादा बनेगी। गर्मियों के दिनों में दही जब सेट हो जाए उसके बाद उसे ज़्यादा देर तक बाहर ना रखें, वरना वो खट्टा हो जाएगा तो आपको टेस्ट बैलेंस करने के लिए ज़्यादा शुगर ऐड करनी पड़ेगी। 1 लीटर दूध में से अराउंड 600 ग्राम जितना श्रीखंड घर पर रेडी होता है। आई होप यू लाइक माई वीडियो।